हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मम्मी किचन। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बीट रूट पाव भाजी। जैसे कि आपको पता है कि बीट रूट बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बनाना। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा माय चैनल को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जियों को उबाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर रखा है। अब हम इसमें 3 मीडियम साइज के आलू डालेंगे, 1 कप मटर डालेंगे, 1 छोटी साइज की गाजर डालेंगे। इसको हमें ज़्यादा बारीक नहीं करनी है इन सबको, क्योंकि हमें इसको बॉईल करना है। इसमें फूल गोभी डालेंगे, ये छोटी साइज की मैंने फूल गोभी ली है। अब हम 1 कप इसमें पत्ता गोभी डालेंगे, 1 छोटे साइज का बैंगन, आधा बीटरूट डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। ये सारी सब्जियों को मैंने अच्छी तरीके से धो के काट लिए थे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम उतना डालेंगे जितना कि ये सब्जियां सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसमें नमक डालेंगे। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक का डाला है। अब हम इसमें 2 सीटी लगवा लेंगे। 2 सीटियाँ लग चुकी हैं। अब हम इसको खोल के देख लेते हैं। देखिए, हमारी सब्जियां सॉफ्ट हो गई हैं और अच्छी तरीके से बॉईल हो चुकी हैं। इसका जो पानी बचा हुआ है उसको हम अलग करके सब्जी में यूज़ कर लेंगे। इसका पानी हमने निकाल दिया है। अब हम इसको मैश कर लेंगे। ये जो आलू वाला मैशर आता है ना, उससे हम इसको मैश करेंगे। तो हमने मैश कर लिया है और इसको हमने एक बर्तन में उतार दिया है। अभी कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून तेल का डाला है। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरे का डालेंगे। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज डालेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे। प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें 1 शिमला मिर्च डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 छोटी साइज की शिमला मिर्च ली है। सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर डालेंगे। इसको सॉटे कर लेंगे और टमाटर को हम यहाँ पर सॉफ्ट कर लेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक का डाला है। अब हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का लिया है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला डालेंगे। अब जो सब्जियों को हमने मैश कर लिया था उसको हम डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। जो बॉयल सब्जियों का पानी बचा हुआ था उसमें अब हम डाल देंगे। अब हम इसमें उबाल आने देंगे। इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसमें बटर डालेंगे। अगर आपको बटर नहीं पसंद है तो आपको स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें ऊपर से हम हरा धनिया डालेंगे। तो हमारी ये रेडी हो गई है। अब हम पाव को टोस्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर बटर डाल रही हूँ। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और पाव को टोस्ट कर लेंगे। पाव को मैंने यहाँ पर टोस्ट कर लिया है और हमारी पाव भाजी बनके रेडी हो चुकी है।